कैसे बने हैं? बता दे से। हे गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो ये हमारा सेकंड व्लॉग है 2023 का और आज डेट है 8 जैन और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। अगर आपको ये बैकग्राउंड कुछ म्यूजिक सुनाई दे रहा है तो ये मोना गिटार प्ले कर रही है, अभी सीख रही है, मतलब मेरे को भी सीखना है। एक्चुअली ये मोना ने मुझे एक गिटार गिफ्ट किया था 2.5 साल पहले, जो कि उसके बाद से ऐसा का ऐसे ही पड़ा। सो आज का दिन क्या स्पेशल है? अभी तक ये किसी ने नहीं सीखा, बस ऐसे ही पड़ा है। शोपीस, हमारे घर का शोपीस ही ऊपर पड़ा रहता है। तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ा ऑनलाइन वीडियोस देख करके सीखते हैं, मतलब लाइक कि जस्ट ओपन करके एक बार चेक करती हूँ कि कितना इजी है। वीडियोस देख रही थी 2-3 की, कैसे सीख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि स्टार्ट करें। 2-3 चीज़ें सीखी अभी तक मैंने कि फ्रेट्स क्या होते हैं, कॉर्ड्स क्या होते हैं, और फिंगर्स का कि कौन सी फिंगर कहाँ पे कैसे लगनी है, वो सब चीज़ें। बट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। कुछ तैयारी करनी होती है वो हम करेंगे। चलो फाइनली मैं मेरे को गिटार पकड़ तो लूं। तो क्या सीखना चाहोगी मुझसे? ये चाहिए होता इसके लिए। पहले आप सीखें। मैं तो सीख ही जाऊंगा। सो हमने मोमोज बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी है, तो मैं आपको ले जाता हूँ किचन में जहाँ मोना सारा प्रिपेयर कर रही है। मोना क्या कर रही हो? अभी चटनी बनाने की तैयारी। तो तुमने क्या क्या किया है अभी तक? लहसुन और अदरक को छोटा छोटा कट करके और ग्रेट करके रख लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि लाल मिर्च और टमाटर को हम लोग पानी में बॉईल करेंगे। लाल मिर्च की जो ये सूखी डंडियां हैं इसको हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ये लास्ट में जब हम लोग मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो ये खाने पे आ सकती है। टमाटर को थोड़ा सा हम लोग कट कर लेंगे। इनको हमें उतनी देर तक बॉईल करना है कि टमाटर की स्किन निकल जाए बाहर पूरी, बस को हम लोग को निकाल के अलग करना है, और जो मिर्च है वो भी बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाए। ऐसे बीच में छोटा सा कट ताकि थोड़ा इजी रहे निकालना। डाल दिया बॉईल करने के लिए। इसको हम लोग अप्रॉक्स 10 मिनट्स के आसपास हम लोग उसको बॉइल करेंगे, जब तक इनकी स्किन निकल जाए और मिर्चियाँ भी पूरी सॉफ्ट हो जाए। तो ये क्या क्यों कर रहे हैं, मतलब ये किस चीज़ के लिए? ये चटनी के लिए। अच्छा, चटनी के लिए। सो यहाँ पे हमारी चटनी बन रही है मोमोज की। मोमोज की फिलिंग दे रहे अभी से? तो फिलिंग के लिए क्या करना है? पहले सबसे पहले मैदा मंगाना है। वो तो करते था मैं ऑर्डर भी। वो हमने अभी तक नहीं मंगवाया है। इसके बाद सोया ग्रैन्यूल्स, इसको हम बॉईल कर लेंगे। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर और सोया चंक्स, इसकी फिलिंग होगी जो कि मैंने अभी रखा है। इसको भी रेडी करते हैं। तो चटनी के लिए तैयारी अभी पूरी हो नहीं पाई है, क्योंकि टमाटर अच्छे से हुए नहीं है, मतलब किसी किसी की स्किन निकली है। मे बी थोड़े टाइट होंगे, इनको थोड़ी देर और हमें बॉईल करना होगा। तब तक हम लोग मोमोज की फिलिंग की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें सोया चंक्स यूज़ करना है, इसको मैं बॉईल करने रखी हूँ पानी में ऑलरेडी रखा है। और उसके बाद फिलिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्याज, गोभी, पत्ता गोभी, गाजर और यही सोया चंक्स जिसको हम बोलेंगे। Thank you.
मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये तो बताओ कि बनेगा कैसे, बढ़िया बनेगी मोमोज नहीं बनेंगे? बिल्कुल पक्का, सब बढ़िया, अच्छे से खाने हैं हमें। मार्केट से खरीदना है फिर। ये हमने एक स्पून तेल लिया है, इसमें मैं थोड़े गार्लिक और जिंजर इसमें यूज कर रही हूँ, बाकी हम लोग फिलिंग में यूज करेंगे। ये सब चटनी ऐसे बनती है पूरी इसकी? हाँ स्मेल तो बड़ी सही आई, सही आ रही है। सो यहाँ पे अभी मोना फिलिंग वाला सामान रेडी कर रही है, जो जब मैदा आ जाएगा उसके बाद हम फिल करेंगे, बट उससे पहले ये सारा मिक्स विक्स करना पड़ेगा। फिलिंग रेडी कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग को सब्जियों को पकाना नहीं है, बस हल्का हल्का सॉटे करना है ताकि वो हमारे मीडियम फ्लेम पे ना, मीडियम फ्लेम पे। यस, तो फिलिंग के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है प्याज, गाजर, गोभी और अदरक का लहसुन, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चटनी भी उसको दिया और बाकी से। तो यहाँ पे फोन बूथ देखते देखते हम फिलिंग की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम हर हफ्ते तो नहीं, दो हर दो हफ्ते में तो बना ही देंगे मोमोज, मतलब मैं नहीं तुम, नेक्स्ट टाइम चिकन वाले, नेक्स्ट टाइम चिकन वाले है ना रोहित, तू तो वैसे भी खाएगा नहीं रोहित आज, तू तो फुल है। मैं तुम लोग को आज प्रोसेस बता दिए, तुम इसको नेक्स्ट टाइम चिकन दो। क्या 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 नेक्स्ट टाइम तंदूर वाला, क्या 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 तंदूर वाला मोना गिरी हमें बनाना है नेक्स्ट टाइम, नहीं बनाएंगे तो भाभी कट कर देना प्लीज। देखो फिलिंग सीखो कैसे करनी है इसकी, ठीक है ये बना, जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा डालोगे उतनी अच्छा उसका टेस्ट होगा। बट यहाँ पे यार हमारा वो भी तो नहीं है ना, क्या बोलते हैं उसको, खाचा भी तो नहीं है उसका। यार तुमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट बना दिया, खाचे के बिना बना दिया, बिल्कुल सेम शेप, बिल्कुल ऐसे ही अब तुम लोग को बनाना है। सो अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, तक में पूरा बना रहे हैं और प्लीज वीडियो पूरी देखना है वाली पूरी, और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप चैनल पर नए हो। सो फाइनली हमारे मोमोज हो चुके हैं रेडी, मैं आपको दिखाता हूँ इसको।
कैसे बने हैं? बता दे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना।